हेलो गाइस, दिस इज पंकज झा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लाइफ इन द हॉट वेट रीजन। तो हॉट वेट रीजन में जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, तो इस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो क्लाइमेटिक जोन है, उस क्लाइमेटिक जोन के बारे में समझा था। क्लाइमेटिक जोन यूँ कहें तो थ्री टाइप्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो यह जो आपका हॉट वेट रीजन जो है, यह टॉरिड जोन के अंतर्गत ही आता है। तो मुख्य रूप से हम जायर जो देश है, अफ्रीका का एक देश है, जो सबसे बड़ा अफ्रीका कंटिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका कौन सा है, जायर है। तो मुख्य रूप से जायर के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल रीजन इज द रीजन अलोंग द इक्वेटर। कह रहा है कि जो भूमध्य रेखीय है, जो क्षेत्र है, वह इक्वेटर के साथ, इक्वेटर के समीप वाला यह एरिया है। इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, और यह इक्वेटर के दोनों तरफ, ठीक है ना, यह इक्वेटर के दोनों तरफ का यह एरिया है। कौन जायर कह रहा है कि इट इज फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, और यह घने जंगलों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। द क्लाइमेट हेयर इज वार्मर एंड वेटर देन ऑल द अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और कह रहा है कि वर्ल्ड यानी कि विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहें तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह काफ़ी वार्मर एंड वेटर होता है, ठीक है ना, वेटर देन यानी कि वार्मर एंड वेटर देन ऑल द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो क्लाइमेट होता है उससे कहीं ये अलग होता है, कहें तो यहाँ पे वार्मर एंड वेटर, ठीक है ना, अधिक गर्मी और अधिक नमी होती है ऐसे क्षेत्रों में। जायर इज द एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द हॉट एंड वेट लैंड थ्रो इट इज द वॉरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से उन सारे वर्ल्ड के देशों में से जो जायर जो है यह सबसे अच्छा उदाहरण है इस प्रकार के क्लाइमेट के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं जायर के बारे में। अरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज सिचुएटेड इन अफ्रीका, और कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो जो है वह अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है। टिल 1997 जायर वाज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ जायर, और कह रहा है कि 1997 तक यह जायर रिपब्लिक ऑफ जायर के नाम से जाना जाता था, यह कहलाता था रिपब्लिक ऑफ जायर। इट्स कैपिटल इज किंशासा, और इसकी जो राजधानी अर्थात रिपब्लिक ऑफ जायर की जो राजधानी है वह कहाँ है, किंशासा है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है ना, द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो कह रहा है कि यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कह रहा है इट इज इन द डीप इंटीरियर ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट, और यह अफ्रीका कंटिनेंट के बहुत ही डीप यानी कि आंतरिक में यह क्या है, स्थित है। कह रहा है इट हैज अ वेरी नैरो आउटलेट इन टू द अटलांटिक ओशियन, और यह अटलांटिक ओशियन में आउटलेट, नैरो आउटलेट, बहुत नैरो आउटलेट में यह क्या है, स्थित है। तो मुख्य रूप से अभी तक हम लोगों ने जायर के बारे में समझा। जायर जो है यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह हॉट एंड वेट होता है, और जायर की जो पहले नाम था वह रिपब्लिक ऑफ जायर के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कहाँ है, तो किंशासा है। फिलहाल अब इसका जो नाम है वो मॉडिफाई करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है ना, इसे कहा जाता है। और इस देश से होते हुए इक्वेटर भी पास करती है, और इक्वेटर के समीप वाला यह क्या है, एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड वेट होता है, ठीक है ना, पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट जो इसके आगे वाला जो पार्ट आएगा वीडियो, तो उसमें आपको लैंड एंड लोकेशन ऑफ जायर के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।